अरे मैं आप ही की तरफ आ रहा था, ऐसी भी क्या जल्दी की आपने फोन कर दिया। लगता है मैनेजर साहब आपको पैसे नहीं कमाने। अरे नहीं नहीं, पैसे तो कमाने हैं, लेकिन अगर असन साहब को जरा सी भी भिनक पड़ गई कि मैं आप लोगों के साथ मिला हुआ हूं तो मैं तो गया जान से। एक तो आप डरते बहुत हैं मैनेजर साहब, मरियम और सिकंदर के ऑफिस से निकलने की आपने इतला दी, किसी को कुछ पता चला, कोई गड़बड़ हुई और पैसे भी आपके अकाउंट में आ गए। ये तो है, दो अमीर आदमी लड़ रहे हैं, जितना कमा सकते हैं कमाएं, आप भी खुश और मैं भी खुश। आप बताइए करना क्या। वही 3 फाइल्स। अरे वो तो ऑफिस के रिकॉर्ड से निकालना बहुत मुश्किल काम है। अगर आसान काम होता तो आपको पैसे क्यों देते। आप चले ठीक है, मैं आज ही जरूरी कागजात की कॉपी हासिल करता हूं और शाम को मिलते हैं अरबाज खान के घर आज शाम को। जी बिल्कुल ठीक हो गया, खुदा हाफिज। जारा जारा कहाँ चली गई है ये? तुम कहाँ थी? तुम्हें आराम और सुकून की जरूरत है और तुमों के सुकून वलीद वो ना शायद मेरी किस्मत में नहीं है। वैसे सुना है अरबाज अंकल ने प्रॉपर्टी की तकसीम की हमारी ख्वाहिश रद्द कर दी है। तुम्हें किसने कहा? मामू बता रहे थे। जब सुबह नाश्ते की टेबल पर आप लोग मेरी किस्मत का फैसला कर रहे थे तो मामू ने सब कुछ सुन लिया था। और कोई काम नहीं है तुम्हारे उस मामू को? शर्म नहीं आती उन्हें छुप छुप कर हमारे घर की बातें सुनते हैं? जब यहां किसी को शर्म नहीं आती तो मेरे मामू से क्या शिकवा? आखिरकार खुद को कमजोर मर्द साबित कर ही दिया ना। सिर्फ बीवी पर जोर चलता है तुम्हारा, बाकी तो किसी के सामने। जारा मैंने कोशिश की है। कोशिश लेट मी कंप्लीट। कर लो, कंप्लीट करने में कौन सा कुछ बदल जाएगा। बोलो भी अब, या मैं ये सिर्फ रिएक्शन देखने के लिए बैठी हूं। तुम ये किस तरह बात कर रही हो? वलीद बात मत बदलो, अगर तुम ये समझ रहे हो कि हर बार की तरह ये बात भी लड़ाई में टल जाएगी ना तो ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। मुझे इस घर से बीवी होने के नाते हिस्सा चाहिए तो चाहिए, इज दैट क्लियर? यही मुकम्मल बात थी, बाबा ने फिलहाल मना किया लेकिन मैं कोशिश करके उन्हें मना लूंगी। ओके लेट्स सी। जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आराम करना है।